नमस्कार दोस्तों, मैं सरबजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फ्री वीजा एडवाइजर पर। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय कंफ्यूज हैं कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी कंट्री के लिए ट्रैवलिंग हो सकती है, कौन सी कंट्री के लिए नहीं है, और कोविड का इस समय किन किन कंट्रीज की वीज़ा उस पर असर पड़ रहा है। तो मैं इस सब चीज़ के बारे में आपके से शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जो रिसेंट कल से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक स्पेन ने मार्च 2021 तक लॉकडाउन और इमरजेंसी कह सकते हैं आप उसे कर दी है। यूके ने एक महीने का लॉकडाउन रखा है और फ्रांस 2 वीक के लिए लॉकडाउन के ऊपर आ गया है। जर्मनी में 4 वीक का लॉकडाउन है। इटली ने फिर से शॉर्ट टाइम के लिए लॉकडाउन कर दिया है। और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इस समय सेकेंड वेव के अंदर एंटर हुई हैं, तो उसके कारण जो है काफ़ी सारी कंट्रीज ने अपने एम्बेसीज को बंद कर दिया है या उसको वीज़ा के लिए अभी वो ओपन नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो सॉरी गाइस, ये एक बुरी खबर है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन कंट्रीज़ के अंदर कोविड का असर जो है काफ़ी हाई नहीं है, तो उन कंट्रीज़ के वीज़ाज ओपन है, जैसे दुबई है, यूक्रेन है, और एक दो ऐसी और कंट्रीज़ हैं जिसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन इस समय जो रिसेंट सिचुएशन है, उसके मुताबिक आप ऐसी किसी भी बड़ी कंट्री में नहीं जा सकते जो सेकेंड स्टेज के अंदर एंटर कर चुकी हैं। और मान सकता हूं कि ये बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस है हम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं, क्योंकि होप करते हैं कि बहुत जल्दी ही इन सब जो एक्टिविटीज़ का फिर से दोबारा से जो है ना शुरुआत हो, और फिर हम अपने ट्रैक पे वापस आएँ। तो वैसे भी एक चीज़ और भी है कि क्रिसमस की छुट्टियाँ जो हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड शुरू हो चुकी हैं, जिस कारण से एम्बेसीज तब भी बंद हैं। तो शायद हो सकता है कि ये भी कारण हो कि मोस्ट ऑफ एम्बेसी ने इस बात का इनिशिएटिव लिया हो कि चलिए जब तक अभी क्रिसमस डे की छुट्टियां हैं तब तक जो है इसको एक्सपेंड रखा जाए। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अभी थोड़े दिन के लिए आप भी आराम कीजिए, थोड़ा सा हम लोग भी इसके ऊपर और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो सो अभी सिर्फ इतना ही कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।